फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ लिशा आज मैं लेकर आई बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक विच इज अबाउट मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का नाम सुन के ही बहुत सारे बच्चों का मुंह बिगड़ जाता है। उनको मैथ्स एक मॉन्स्टर सब्जेक्ट लगता है, इवन पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है मैथ्स को पढ़ाने के टाइम। तो ये वीडियो एक पेरेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, हर किसी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैथ्स तो भैया हमें जिंदगी भर काम आता है। हर एक फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, मैथ्स तो काम आना ही आना है आपको। तो ऐसा नहीं है कि साइंस अगर आप कर रहे हैं, आप बायो साइंस ले रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ है तो आपको काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैथ्स तो हर एक इंसान को बहुत ही ज्यादा काम आता है। अगर आपको भी मैथ्स मॉन्स्टर सब्जेक्ट लगता है तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक देखते देखते आपका ये जो मॉन्स्टर शब्द गायब हो जाएगा और आपको ये मजेदार और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। कैसे लगने लगेगा, तो पूरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कुछ, और कुछ मेरे रिसर्च से मैंने फाइंड आउट किया, और मुझे लगा कि यस, मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है गाइस, क्योंकि मैथ्स बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डरते हैं, दूर भागते हैं, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम उनकी ये जो दूर भागने की आदत मैथ्स से, या उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, उस हैबिट को, मैथ्स को किस तरह वो पसंद करने लगेंगे इस वीडियो देखने के बाद, तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको भी पसंद आता है ये वीडियो तो प्लीज अपने बच्चों को दिखाइएगा, और उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आई एम श्योर। तो इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप नए मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, तो मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लाती रहती हूँ, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ मैं बहुत सारे रोल्स प्ले करती हूँ। तो जहां जहां मुझे कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो मैं सोचती हूँ शायद आपके लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक होगी, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके लिए जरूर लाती हूँ, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो इफ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, जरूर आप लाइक एंड शेयर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हेल्दी वीडियोस, टेस्टी वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आगे मैं लाती रहूं। तो आपका एक लाइक बहुत ही ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है और आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्टली बात कर लेते हैं कि मैथ्स एक मॉन्स्टर सब्जेक्ट है, ये किसने हमारे दिमाग में डाला है, हमने कहीं ना कहीं सुना है, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को डर लगने लगता है, तो भैया उसने तो कुछ मैथ्स के अंदर कुछ गहराई में घुस के देखा ही नहीं है, तो उसको मॉन्स्टर कैसे लगने लगा। जब तक आप पानी के अंदर घुसोगे नहीं, उसकी गहराई आपको कैसे पता चलेगी, उसकी डेप्थ कितनी है। तो अभी इतने छोटे से बच्चे ने तो मैथ्स का कुछ देखा ही नहीं, तो उसको क्यों डर लग रहा है, क्योंकि उसने कहीं सुना है, किसी को बोलते हुए सुना है, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, बड़े भाई बहन रिलेटिव हो सकते हैं, जिसने बोला है भैया कि मैथ्स बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे तो बहुत हार्ड लगता है, मैं तो मैथ्स से दूर रहता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस तरीके से उसने कहीं सुना है, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। तो आप सुनी सुनाई बातों को सबसे यहां से निकाल दीजिए, पूरा खेल यहां का है। अगर आपने यहां बिठा लिया कि मैथ्स मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर है, देन वो मॉन्स्टर ही रहेगा, क्योंकि आप वो चीज खुद ही मान रहे हो ना। आप जब तक वो चीज निकाल नहीं दोगे कि मॉन्स्टर नहीं है भैया, वो मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, जब वो आपकी चीज दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज, तो वो बन जाएगी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, और आपको मजेदार लगने लगेगा मैथ्स भी। तो इसीलिए सबसे पहले यहां से निकाल दीजिए वो चीज, आपने कहा कहीं से भी सुनी है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ्स एक मॉन्स्टर सब्जेक्ट है, और अपने दिमाग में बिठा दीजिए कि मैथ्स एक इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही मजा आएगी करने में। ऐसी अगर आप पॉजिटिव चीजें रखते हैं दिमाग में, तो ऑब्वियसली आपको मजा आएगा ही आएगा करने में। तो मेरी एक जो गंदी आदत थी उसके बारे में मैं बात करने वाली थी, जिसने मुझे मॉन्स्टर सब्जेक्ट को, मैथ्स को एक मजेदार सब्जेक्ट बना दिया, वो थी मुझे एक बहुत ही बुरी आदत है। अगर मुझे कोई चीज कोई बोलता है कि भैया ये मत करो तुम, तो मैं तो जरूर करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। तो मुझे मैथ्स, मैंने भी ऐसे ही सुना था, किसी ने मुझे बोला कि मैथ्स भैया बहुत हार्ड है, मुझे तो नहीं समझ में आता है, तो मैंने एक मेरे रिलेटिव से ही सुना था। तो तब मैंने सोचा कि इसने मना किया है मैथ्स करने से, भैया क्या है, जरूर मैं देखती हूँ। मैं गई मैथ्स के अंदर, मैंने फिर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस करने में बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई मुझे मना कर रहा है तो वो चीज मैं जरूर करती हूँ। ये चीज थोड़ी सी गंदी आदत है, लेकिन मैथ्स के लिए मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आई।
तो ये जो मेरी गंदी आदत है मैथ्स को मॉन्स्टर सब्जेक्ट्स के मजेदार सब्जेक्ट बना दिया मुझे। तो इस तरीके से अगर आप भी कोई चीज अगर आपको बुरी लगती है, कोई मना कर रहा है, तो प्लीज मत करिए, ये मेरी बुरी आदत है, लेकिन मैथ्स के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। तो इस तरीके से मैथ्स मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि किसी ने मुझे मना किया, लेकिन मैंने तो भैया सोचा कि इन्हें मना किया तो मैं तो जरूर करूंगी। इस तरीके से मैथ्स मेरे लिए मजेदार बन गया। तो ये था, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको मैथ्स में स्पेशली आपको इतनी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। गाइस मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपसे शेयर करूंगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैथ्स अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तब तक आपके लिए मैथ्स मॉन्स्टर से मजेदार बनेगा ही बनेगा। तो सबसे फर्स्ट टिप है आपके लिए कि आप फर्स्टली चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे फर्स्ट दिमाग में क्या बैठाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। अगर वो आपके क्लियर है, बेसिक उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज वहां के सामने लिखे होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो आपके लिए क्लियर हो गए, आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए, देन वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश कीजिए सामने के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं एंड फॉर्मूलाज होते हैं उस पे ज्यादा ध्यान दे, फिर आगे आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बहुत सारे सॉल्यूशंस को निकालने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरीके से फर्स्ट चीज आपको दिमाग में रखनी वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला। अब सेकेंड हम बात कर लेते हैं मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ये तो हमें पता है किसी भी चीज में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपको वो चीज अच्छी लगने लगती है। क्योंकि अब जैसे है एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं कि जैसे हम एज अ हाउसवाइफ हम घर पे खाना बनाते हैं तो एवरीडे खाना बनाते बनाते धीरे धीरे वो हमें अच्छा लगने लगता है। पहले हमें जरूर वो अच्छा नहीं लगता है, लगता है यार क्या खाना बनाना, टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर बनाना ऐसा वैसा थोड़ा सा हमको भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बनाने लगते हैं एवरीडे वो हमारा रूटीन बन जाता है और धीरे धीरे हमें वो पसंद आने लगता है। उसी तरह अगर मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की भी, लेकिन मैथ्स में स्पेशली अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि प्रैक्टिकली दिमाग में जल्दी बैठता है। जैसे अभी रिसेंट एक फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, आप सभी ने देखी होगी, उसमें वो उन्होंने सबसे फर्स्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चों को, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया एंड सारे बच्चों ने टॉप किया। क्यों? बाकी स्टूडेंट्स तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ रहे थे, फिर भी उन्होंने टॉप क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो सर थे उन्होंने एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज अपने बच्चों को दी थी वो फन वे में, मस्ती मस्ती में बच्चों को प्रैक्टिकली हर एक चीज कर करके बताते थे, तो उनको वो यहाँ बहुत अच्छे से बैठ जाती है। इस तरीके से अगर आप भी प्रैक्टिकली अपने बच्चों को समझाते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है मैथ्स, क्योंकि प्रैक्टिकली बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। तो थियोरेटिकली बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ में आता है, जो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं उनको, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक बच्चे के दिमाग में बैठता ही बैठता है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर, मतलब बहुत ही जल्दी उनको दिमाग में बैठ जाती है। तो इसीलिए मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी मैथ्स, आई एम श्योर, क्योंकि जितने आप प्रॉब्लम्स, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आगे, जितने भी क्वेश्चंस है आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला अगर इसमें फिट नहीं हो रहा तो इसमें फिट हो रहा होगा, अगर ये इस तरीके से फिट हो रहा है लेकिन आगे मुझे ये प्रॉब्लम आ रही। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगी ये चीजें, तो इसीलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। अब थर्डली हम बात कर लेते हैं कि इफ आपको एक फॉर्मूला बुक, मेंटेन अ फॉर्मूला बुक। हर एक, जैसे मैंने प्रीवियसली फर्स्ट पॉइंट में बताया कि स्टार्टिंग में हमें फॉर्मूलाज मिलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो फॉर्मूला हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखे होते हैं, फर्स्ट पेज में ही हर एक चैप्टर के। तो आप क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है वो एक अलग से बुक में आप लिख के रखेंगे। इससे क्या होगा, आप जब भी आपके एग्जाम्स टाइम में आपको जब रिविजन करना होता है तो इतनी मोटी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वो सिर्फ इतनी सी बुक जो आपने फॉर्मूला बुक बनाई है उसमें आपने सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एक ही बुक में लिखे हुए। तो अगर आपको वो फॉर्मूलाज याद हो गए क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है और फॉर्मूलाज अपने एक ही जगह से बहुत ही इजी तरीके से अगर आपको मिल जाते हैं तो आप फटाफट वो रिवाइज कर लेंगे और आप बहुत ज्यादा गाइस कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम्स के टाइम, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पूरा लेसन रीड कर लिया है। और मैथ्स में होता क्या है, फॉर्मूलाज होते हैं,
और आपको फॉर्मूलाज बन गए, एक ही जगह मिल गए, क्योंकि इतनी मोटी बुक में आपको पेज पलट पलट के हर एक फॉर्मूला देखना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा आपका। उससे अच्छा आप एक इस तरीके की फॉर्मूला बुक बना लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है और आपके जो फॉर्मूलाज एक ही बुक में मिल जाते हैं तो आपको रिविजन करने में थोड़ा सा ईजी होता है, टाइम सेवर भी होता है, आपके टाइम भी बच जाता है और आपको एग्जाम्स टाइम में स्पेशली गाइज बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है क्योंकि मैंने ये पूरी बुक इतनी जल्दी रीड कर ली, क्योंकि बुक में था क्या, फॉर्मूलाज ही है ना, बाकी तो आप किस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला फिट करना है वो तो आपको पता ही क्योंकि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है। दिस इज हाउ थर्ड चीज आपको मेंटेन करनी है, वो है एक फॉर्मूला बुक। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं जो कि है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट में आपको पढ़ना है। तो ये चीज मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज में शेयर की है बच्चों से रिलेटेड, जहां उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पढ़ने में उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वो कुछ प्रॉपरली बैठते नहीं है पढ़ने में। तो इस तरीके से अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट में उनको पढ़ाते हैं, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है, हर एक चीज के लिए, क्योंकि अगर उनका माइंड 100% वहीं पर है तब उनको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा कुछ भी, और उनका अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है दिमाग यहाँ वहाँ, ये पड़ा है, ये यहाँ फोन है, ये बज रहा है, यहाँ ये बच्चे खेल रहे हैं, तो वो चीजें उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से, तो मैथ जैसे आप लोग को मुश्किल लग रहा है तो अब मुश्किल से कुछ चीज याद हो रही है उसके बाद अगेन दिमाग डाइवर्ट हो रहा है तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है आपके लिए। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री आप चाहे मतलब अकेले आप रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप टेरेस पे पढ़ सकते हैं, बालकनी में जाके पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी ऐसी जगह जाके पढ़ सकते हैं जहां आपको कोई भी आपके आजू बाजू ना हो, कोई चीजें भी ना हो, कोई लोग भी ना हो, तो आपके लिए वो बहुत जल्दी आपके लिए कुछ भी याद करने में हेल्पफुल होगा। तो ये आप जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती है। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, जैसे हमने सुना ही एक कहावत है कि दो नाव में सवार कभी भी नहीं हुआ जाता है, डूब जाती है नाव, इसीलिए अगर आपका दिमाग एक जगह है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जल्दी याद हो जाएगा। अगर आप दो नाव में सवार होते हैं, जैसे आधा दिमाग यहाँ है आधा आपका कहीं और है, फोन में खेल रहे हैं, कहीं और कुछ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके दो तरफ आपका दिमाग चल रहा है तो आपको कुछ भी नहीं याद होने वाला, ना यहाँ आपका रहेगा दिमाग ना यहाँ। इससे अच्छा एक जगह 100% रहिए, पूरा दिमाग वहां लगाइए और इस तरीके से ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ना बहुत ही जरूरी है मैथ्स को स्पेशली मॉन्स्टर से मजेदार बनाने में, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो अकेले रहेंगे तभी ये सब चीजें पॉसिबल होंगी। अगर आपके आजू बाजू कोई आपके फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके भाई बहन हैं या कुछ चीजें ऐसी जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं तो आपको वो करने नहीं देंगी, इसीलिए थोड़ा सा दूर रहिए ऐसी चीजों से। और लास्टली एक मैंने रिसर्च से फाइंड किया है गाइज, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ऐप है विच इज क्यू मैथ करके एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि हम एक चीज जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर टीचर बहुत ज्यादा ध्यान दे। एक्चुअली मैथ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक जो पढ़ने वाला है वो और दूसरा जो पढ़ाने वाला है वो कैसा है। तो सबसे फर्स्टली मैं मानती हूँ कि टीचर अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेगी, फॉर्मूलाज प्रॉपरली समझाएगी तो बच्चे के लिए इजी हो जाएगा समझना, बट आजकल ये नहीं हो रहा है इसीलिए बच्चों को हमें ट्यूशंस भेजना पड़ रहा है। तो एज ए ट्यूटर मैं जानती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अरे स्कूल में पूरी पूरी बुक्स पढ़ा दी होती है लेकिन बच्चों के दिमाग में बैठी नहीं होती, क्योंकि टीचर्स ने ऊपर ऊपर से पढ़ाया होता है, उनको सिर्फ पढ़ा के जाना है, भैया आधे घंटे का पीरियड है खत्म करो और निकलोगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बट अब हो रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते उससे। लेकिन ये हाँ, ये क्यू मैथ करके एक ऐप है, आप जरूर डाउनलोड करना, वहां पर एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर अलॉट होता है और वेबकैम के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक आपका कॉन्सेप्ट जो भी प्रॉब्लम है कोई भी फॉर्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर देते हैं, हर एक चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाते हैं, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर आपको देंगे और जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। तो यही चीज तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर पर्सनली एक टीचर हो, कौन नहीं चाहेगा, और इस तरीके से अगर ऐप के थ्रू हमारे बच्चे को ये फैसिलिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट। और क्यू पेरेंट करके भी एक ऐप है जिसमें आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस पता कर सकते हैं, तो ये आप ऐप जरूर डाउनलोड करना, मुझे अगर लिंक मिल गई तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि मैंने रिसर्च करके देखा है ये ऐप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा। गाइस आपके बच्चे अगर ट्यूशन भी जा रहे हैं तो आई एम श्योर आप अगर मैथ्स के लिए ट्यूशन भेज रहे हैं तो ये ऐप आपके बच्चों के लिए ट्यूशन भी छुड़वा देगा। और हमें और क्या चाहिए भैया कि हमारे बच्चे के ऊपर एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर एक सर है या टीचर है वो ध्यान दे रहे हैं।
तो दिस इज ओनली आई वी वॉन्ट ना, तो इसीलिए अगर ये ऐप आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा तो आप डाउनलोड जरूर करना और अपने बच्चे, क्योंकि वहां पर दो क्राइटेरिया है, एक जो छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, अबो सेवेंथ है और आई थिंक बिलो सेवेंथ है, बिलो सिक्स है, ऐसे दो क्राइटेरिया है, तो आप देख लेना आप कौन से क्राइटेरिया में फिट होते हैं, आप वो वाला ऐप जरूर डाउनलोड करना और अपने बच्चों को जरूर बताना इस ऐप के बारे में। मैं ही बोलती हूँ कि फोन से दूर रखिए अपने बच्चों को, लेकिन इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है फोन के थ्रू, देन व्हाई नॉट, आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपके बच्चों के लिए अगर कुछ चीज हेल्पफुल है तो आप जरूर कीजिए ये चीज भी। मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल चीजें, इन्फॉर्मेटिव चीजें आपके लिए मैं लाती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर फेस करनी पड़ती है, और मुझे पता है मैथ्स एक ऐसी प्रॉब्लम है हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट फेस करता है, तो ये आज आपको मैथ्स के जो इतना बड़ा मॉन्स्टर शब्द मैथ्स के ऊपर लगा हुआ था वो हट गया है, और अब ये मेरे हिसाब से आई होप कि आपको अब ये मजेदार लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपको भी लगा है, ये तो मैं होप कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि आगे और लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और अगर फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ मैं बहुत सारे रोल्स प्ले करती हूँ, तो उस रोल्स प्ले करने के टाइम मुझे जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उसके बारे में मैं आपसे वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लाती हूँ ताकि आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक ना हो, आप अगर वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसीलिए मैं अपने चैनल पे अलग अलग वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिले। सो नाउ एंड करते हैं इसको, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।